भैया बहनों, ये वही अयोध्या है जिस अयोध्या के बारे में लोग विरोधी लोग क्या करते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन राम भक्तों ने चता दिया था कि परिंदा ही नहीं, लाखों लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचेगा, और उन्होंने पहुंच करके उस समय अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया था। भैया बहनों, आज अयोध्या में क्या नहीं है, अयोध्या में आज सब कुछ है और सब कुछ बनने जा रहा है। याद करिए, पिछली सरकार में वे लोग भी बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। पूछिए उन लोगों से क्या कर रहे थे लोग, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी 2012 में। समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला फैसला क्या किया था, राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। हम आभारी हैं माननीय न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की कुत्सित मंशा को पूरा नहीं होने दिया। और लोग कहते हैं कि आपने क्या किया, मैं कहता हूं हमने कुछ किया तो सबसे पहला काम किया, अवैध बूचड़ खानों को बंद करवाया प्रदेश के अंदर, बहन बेटियों की रक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, और अयोध्या को नगर निगम के रूप में मान्यता देकर के इस जनपद का नाम भी अयोध्या किया और नगर निगम का नाम भी अयोध्या करने का काम किया। वे लोग पहला काम उनकी सहानुभूति आतंकवादियों के साथ है, थी भी आज भी है, तो आतंकवादियों पर दायर से राम जन्मभूमि के हमले करने के मुकदमे को वापस लेने का कार्य करते हैं। हमारी प्राथमिकता प्रदेश है, 25 करोड़ जनमानस है, प्रदेश की आस्था है, प्रदेश की सुरक्षा है, तो हमने सुरक्षा को प्राथमिकता दी। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम को अपने कर कमलों से संपन्न किया, पूरी दुनिया का नजरिया अयोध्या के बारे में बदल गया।